सुहागण ए दुहागण जहा मुकबरा जिले सखर में आन। हि मुकबरा रोड़ी का अरोड़ वेंदड़ लिंक रोड के ओलंदे तरफ नारा केनाल मोटरवे इंटरचेंज के विच ते पहाड़न में आन। सदियों पुराना ए तारीखी मुकबरा इन वक्त सिंध हुकूमत के बेध्यानी सबब असुल खूबसूरती विञाए मेसार जी रहा है। इन मुकबरन के बारे में डंद किथा है त बनी उमिया खलीफन के वक्त में हिंदू राजा धनुरा अलोर यानि अरोड़ जो हाकिम हो। चयो वने तो अलोर के उन दौर में धनुर भी सदींदा हुआ। इन मुकबरन लाए डंद किथा है त राजा धनुरा के हर रात नई कुंवर खपंदी हुई। जद इन बिन्हीं औरतुन जो वारो आयो त उन्होंने इज्जत बचाण खातर रब पाक का दुआ घुरी ए जमीन फाटी पई बई औरतू उन में दफन थियो। ये उन जो कब्रू आहिन। पहरियों त गाल आए त हे जेके आने दुआगण सुहागण ब हिकड़ियों हाँ ऐसो इन वक्त जो रोड पुलियों रस्ता वगैरह बो कुछ आए तदे मवासिलात सिर्फ बहरी रस्ते से ही अरबन खां जो है सो सोन खणींदा सेलून खां वरी गरम मसाला खणंदा। उनके या खबर नहीं धलूरा जी मैं को रूल हो जो भी मानू इतने पैर निका या धलूरा बादशाह हो चच घराने जो खानदान जो तो वो इतने राज कह उनके जैसे खबर पई तो मुसलमान छोकरियों के पाक दामन सारी रात कुरान पाक पढ़ियों रब के याद क्यों तो दरिया रात रात जो फिरी करे सखर का वही पोतो उनमें एक सिंधी पहाको भी आए तो दलू पुछे नार वण मूरण आए सुबह जो उठी जो ऐसे वण तो आई को दरिया पंज रुख बदलो इत पेट थी वो उनखा कुछ मू वी सिपाही इन्हें कद लगो जैमल इन मैदान से आया तेम काफ़ी सुनरे लड़ाई भी थी मू भी मुआ कें कदों कें ना कदों उन कबरू भी इतने हुई इन माइन के अदा सही जमीन में जाए दी सुहागन जो आको उतर आगन जद आसार कदीमा के मायर अहमद नबी खान जो ख्याल है तो हि मुकबरा सुहागण ए दुआगण जहा ना हू लिखे तो हि बई मुकबरा शकरगंज ए खतलदीन शाह जहा बारहवीं सदी के पछाड़ी या तेरी सदी के शुरुआत में ठाया वया है। बे तरफ नामयारो मोहक बदर अबरो पिण लिखे तो हि मुकबरा सुहागण ए दुआगण जहा ना पर शकरगंज ए खतल शाह जहां जी गोरी दौरे हुकूमत के कारीगरन जहा ठयल है। नाजरीन सिंध में सुहागण उन सभागी भक्त वाली औरत के चो है जैजो मुड़स जीअरो हो जैं तुआगण उन औरत के चो है जहाँ मुड़स का तलाकल या रनजाल हो। अरोड़ के पहाड़न में दुआगण जो मुकबरों सुहागण के मुकबरे का थोड़ा परे मथा ही टकरी से है। सिंधु हुकूमत पारा मकामी तोड़े बाहर का आयल पंजाबी पठानन के अरोड़ जहा पहाड़ मुठ भुगड़न से लीज कर दियण बाद इलाके की तबाही थी वही है। इन पहाड़न से रेती बजरे ए पत्थर माफिया जहा कब्जा है। इतना रोजानो रेती बजरे ए पत्थरन जो सवे ट्रकू भरजी निकरन थी। पहाड़न में पत्थर कढ़ने ला धमाकेदार मादो ए डायनामिट जे गैरकानूनी तौर इस्तेमाल थियण करे सुहागण ए दुआगण के मुकबरन के वो नुकसान पहुतो है। ट्रकुन ट्रैक्टरन ए ट्रालरन जरिए पत्थर खणी वन सबब सुहागण ए दुआगण के तारीखी मुकबरन के आसपास खड़ा पैजी वया है जै करे सुहागण ए दुआगण के मुकबरन दा फोर व्हील गाड़ियों से सवार थी वींदड़ मानन लाए को भी रस्तो ना है। बुधायो वने तो सुहागण ए दुआगण के मुकबरन के चैनी पासन का दाखिली दरवाजा हुआ जद वक्त इन सिरन से बंद कर वो है। सुहागण के मुकबरे के उत्तर पासे का
डुआगण के मुकबरे के उभर पास का लोही सीखन वो दरवाजो दिनो वो है जैके पिण तालो हणी बंद वो है पर तालो लगल होजन बावजूद डुआगण के मुकबरे में शुआरन खारकन जो बोर रखल नजर अची रही हैं। सुहागण के मुकबरे में पिण मकामी जमींदार पारा शुआरा तैयार करण वो सामान ए खारा रखल नजर अची रहा है। नाजरीन कुछ साल अग इंडोमेंट फंड ट्रस्ट के टीम तरफा सुहागण ए डुआगण मुकबर के बहाली लाए मरम्मती कम कराण समेत मुकबर के बाहर चौदीवारी दियण लाए पत्थर की दीवार जो बुनियाद पिण विधो वो है पर हम वक्त यो मरम्मती कम भी अध में बंद पड़ा है।